नमस्कार। क्लास 8 एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 10 हम करने जा रहे हैं। 0.25 गुना 4f माइनस 3 बराबर 0.05 गुना 10f माइनस 9। हमें इसे हल करना है। इसे हल करने के बहुत से तरीके हैं। कई टीचर्स इसको गुना करवा के भी करवाते हैं और तरीके से, मैं इसे कुछ और तरीके से हल कराता हूं। देखिए कैसे। ये है 4f माइनस 3, मैंने यही रखा है। यहां पे 0.05 रखा है। ये जो 10f माइनस 9 है, ये इसके साथ गुना हो रहा है तो उधर जाके हो जाएगा। या हम चलिए, ये उधर जाके हो जाएगा भाग, तो ये आ जाएगा 10f माइनस 9। ये 0.25 इस ब्रैकेट के साथ गुना हो रहा है, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा भाग। ठीक है बच्चों, दशमलव के बाद दो अंक, दशमलव के बाद दो अंक, तो दशमलव से दशमलव कट सकता है। ऊपर है 5, नीचे 25, 5 एकम 5, 5 पंजे 25। अब इनको कर देते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 को जब 4f माइनस 3 से गुना करेंगे तो 5 चौके 20f माइनस 5 तीये 15। 5 इससे भी गुना होगा और इससे भी गुना होगा। और यहां है 1, 1 इससे गुना होगा 10f माइनस 9 से, तो 10f माइनस 9 ही आ जाएगा। इसका फायदा क्या हुआ बच्चों? इसका फायदा यह हुआ कि जो हमें दशमलव मुश्किल लग रहा था, हमने उसको उड़ा दिया। अब इसे हल कर लीजिए। 20f, 10f यहां प्लस हो रहा है, उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस बराबर। यहां है माइनस 9, यह है माइनस 15, जब उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 15। 20f में से 10f माइनस किया तो हमारे पास आ गया 10f बराबर माइनस 9 प्लस 15, प्लस माइनस माइनस, 15 में से 9 गया 6, 7 में से इन बड़ी रकम का प्लस, f आ गया 6/10। हम चाहें तो अपना उत्तर यहां भी छोड़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा प्रश्न दशमलव में था तो हम इसे भी दशमलव में बदल देते हैं। तो 6/10 जो होता है, 6 को 10 से भाग करेंगे तो वो आता है 0.6। इसका मतलब यह f, ये रैखिक समीकरण था, 0.25 गुना 4f माइनस 3 बराबर 0.05 गुना 10f माइनस 9। इसमें हमने f की वैल्यू निकालनी थी और f की जो हमारी वैल्यू आई है वो आ गई है 0.6। यही हमें इस उत्तर में निकालना था। आशा करता हूं जिस तरीके से मैंने ये सवाल आपको करवाया है, इस तरीके से आपको यह सवाल आसान भी लगेगा और इजीली हल भी हो जाएगा। यदि आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आप जब लाइक करते हैं तो उससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम और मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाएं। धन्यवाद।